हूँ मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आपको हम FRM मशीन यानी कि शोल्डर बेलास्ट क्लीनिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। शोल्डर बेलास्ट क्लीनिंग मशीन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो पटरियों के किनारे के पत्थर होते हैं जिसमें कि अमूमन आप देखे होंगे छोटे छोटे घास, पेड़ पौधे, बेर की झाड़ी, अकौवा का पेड़ आदि जम जाते हैं, उनको साफ करने के लिए, वहाँ से मिट्टी निकालने के लिए एक शोल्डर बेलास्ट क्लीनिंग मशीन FRM नाम होता है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये FRM मशीन, इनका मुख्य काम सिर्फ किनारों के घास और मिट्टी को साफ करना है, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही हो सके, बरसात की जितनी भी पानी है वो सारे बाहर एम्बैंकमेंट से बाहर निकल जाएं। और एक होता है BCM यानी कि बेलास्ट क्लीनिंग मशीन, जो बीच का यानी कि पटरियों के बीच के पत्थर को साफ करता है और एक मानक आकार से छोटे पत्थर और मिट्टी को बाहर कर देते हैं। उसी तरह ये FRM का भी काम है, ये मानक आकार से छोटे गिट्टी, मिट्टी, घास फूस आदि को बाहर फेंक देते हैं और एम्बैंकमेंट को बिल्कुल चकाचक बना देते हैं। इससे पानी बिल्कुल बाहर रिस रिस के निकल जाती है और बेलास्ट कुशन बिल्कुल सही स्थिति में रहता है। बेलास्ट कुशन तो आप जानते ही होंगे, जो पत्थर पटरियों पर पड़े रहते हैं उसे बेलास्ट कुशन कहा जाता है। वही पटरियों को सक्षमता देता है यानी कि नीचे धंसने से रोकता है और गाड़ियों में जर्क लगने से भी बचाता है। इसीलिए बेलास्ट सही आकार का और सही मात्रा में पटरियों पर होना अत्यंत ही आवश्यक है। गाड़ियां चलते चलते और पैकिंग मशीन यानी कि CSM, DGS ये सब चलते चलते बेलास्ट अपने मानक आकार से बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़े धूल और मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, अतः समय समय पर उनको हटाना आवश्यक है। उसी को हटाने के लिए दो तरह के मशीन चलते हैं, एक FRM एक BCM। BCM का काम तो आप जानते हैं, बेलास्ट क्लीनिंग मशीन, और FRM शोल्डर बेलास्ट क्लीनिंग मशीन। यहाँ पर यह मशीन पीछे से काम करके आया और इससे PWI, SSC और मशीन के ऑपरेटर्स और सारे हेल्पर स्टाफ लोग उतरे और फिर यह मशीन वापस अपनी साइडिंग में जा रही है और साइडिंग में ले जाने के बाद फिर इनकी साफ़ सफाई भी की जाती है और मेंटेनेंस भी की जाती है, ताकि कल फिर काम को तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।